8 क्वेश्चन में हमें ये इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है और हमें dy by dx equal to प्रूव करना है b upon a और b plus 2y. हमें इन क्वेश्चंस में यही ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ, क्वेश्चन रिपीट कब हुआ. आप देखो रिपीटेशन माना जाएगा x upon a से, तो वो यहाँ नजर आ रहा है. ठीक है, तो जहां से आपको दोबारा x upon a नजर आया वो रिपीटेशन माना जाएगा और उसको हम y एज्यूम कर लेंगे. तो अब आपके पास जो क्वेश्चन बन गया है ये हो गया x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस y. अब बस आपको एलसीएम लेना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं. y इज इक्वल टू x अपॉन ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स अपॉन में बी प्लस वाई. बी प्लस वाई ऊपर चला गया तो आ गया आपके पास वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस एक्स वाई और अपॉन में आ गया ए बी प्लस ए वाई. ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स अपॉन बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा. तो ये बन जाएगा ए बी वाई ए वाई स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू में बी एक्स और एक्स वाई. दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया तो ए बी वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का हो गया टू वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स लिखा वाई का डिफरेंशिएशन, वाई लिखा एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया और एक्स इंटू वाई. ये तो वैसे सबसे आसान था, कैंसिल ही हो रहा था तो इसकी भी इतनी मेहनत करने की हमें ज़रूरत थी नहीं. तो फिर ए बी वाई का ए बी डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में आ गया जस्ट बी. अब देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो आया आपके पास टू ए बी के साथ टू ए वाई इक्वल टू में आ गया बी और फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बन गया बी अपॉन ए बी प्लस टू ए वाई. कुछ कॉमन भी आ रहा है तो उसे भी लिख ही लेते हैं. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए और कॉमन लिया तो बन गया बी प्लस टू वाई और यही हमें प्रूव करना था.